होचिमिन सिटी। इस सिटी को पहले और अभी भी आम तौर पर साइगोन के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको होटल दिखाऊंगा, होचिमिन सिटी की मेन अट्रैक्शंस दिखाऊंगा, इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा और भी बहुत कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपको होटल रूम दिखा देता हूं और फिर आपको साइगोन घुमा देता हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। वियतनाम के होचिमिन सिटी में आपका स्वागत है। रूम का साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन एक बंदे के हिसाब से कम भी नहीं है। उसने कौन सा यहाँ नाचना है। ये तो हो गया जी वॉशरूम। इसमें कोई पर्दे वर्दे कुछ नहीं है, बस ये ट्रांसपेरेंट ही है जी। बंदा वहाँ सोया हुआ है अकेला, तो कोई दिक्कत नहीं। अकेला है तो वहाँ सोया, यहाँ आ गया कोई दिक्कत नहीं। दो बंदे वहाँ सोए हैं, यहाँ बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही है जी। कुछ नहीं, कोई उन्होंने पर्दा कोई पर्दा नहीं रखा किसी से। और ये शावर हो गया, यहाँ भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं है। वॉश बेसिन इन्होंने यहाँ पर लगा दिया बाहर बढ़िया तरीके से। यहाँ पर इन्होंने सेफ भी दी हुई है। यह हैंगर है, ये चाय मशीन हो गई, पानी हो गया, कॉफ़ी का पैकेट भी है, नेपोली कप हो गए दो गिलास। इन्होंने पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए दिए हैं, सिगरेट आप पी नहीं सकते। ओ, इसमें पानी की बॉटल्स हैं। ये वाली 10,000 की है, 10,000 वियतनामीज डोंग हो गए इंडिया में 35 रुपये, ठीक है जी। ये बड़ी वाली 70 रुपये की है, तो ठीक है, बड़ी भी काफ़ी बड़ी है, नेस्ले का पानी है, ये भी अच्छी बात है। और इन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ, बाहर से फ्रूट फ्रूट्स लाओ तो ठंडा कर सकते हो, ठीक है। और टीवी भी लगा है, सैमसंग का टीवी है। वियतनामी डोंग में ये 9 लाख रुपए का कमरा है, $38 में हो गए $38, इंडियन रुपीज़ में हो गए 3100 रुपये, ठीक है। वैसे तो 2500-2600 का भी मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन उसमें एक खिड़की नहीं थी, विंडो नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल गुम था, बिल्कुल लाइट जलेगी तो अंदर रोशनी आएगी, वैसा नहीं चाहिए अपने को ऐसा चाहिए जहाँ लाइट चली भी जाए तब भी उससे ज़्यादा रोशनी अंदर रहे, पर्दा हटा के बंदा सोए, खिड़कियाँ खोल के जी हवा आएगी, ठंडी 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 हवा, ठंडी ठंडी नहीं आएगी, गर्म आएगी, बाहर गर्मी है। अब मैं तैयार होता हूँ और फिर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ होचिमिन सिटी। तो सबसे पहले मैं आया हूँ घूमने और आपको घुमाने और आपको दिखाने यहाँ का पोस्ट ऑफिस, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ अंदर चलते चलते देता हूँ। साइगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जो 1891 में बना था, ये पोस्ट ऑफिस 132 साल पुराना है। अंदर आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में हो, क्योंकि यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ये पोस्ट ऑफिस अभी भी पूरी तरह से फंक्शनल है। सुबह 7:30 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो और अंदर घूम सकते हो। क्रांतिकारी होचिमिन जो वियतनाम के प्रेसिडेंट भी थे, उनके नाम से इस सिटी का नाम रखा गया है। उन्होंने 18 साल की उम्र में इस पोस्ट ऑफिस में काम भी किया था। जो भी पहली बार साइगोन आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। जब केले देख रहे हो छोटे छोटे, बंदा एक टाइम में एक दर्जन खा जाए। अभी लग रहा केले पैदा भी नहीं हुए, ये तोड़ लाए। क्या बता, ये इसलिए होते हो, हमें क्या बता। ये भाई मैंगो मैंगो। अब मैं आ गया हूँ होचिमिन सिटी बुक स्ट्रीट पर। पूरी रोड पूरी स्ट्रीट है किताबों की, बुक्स की। आ जाओ, लेट्स गो। ये बुक स्ट्रीट 2016 में ओपन हुई थी और ये 100 मीटर लंबी है। इस स्ट्रीट में आपको बुक शॉप्स, बुक स्टॉल्स, कियोस्क और बुक थीम्ड कैफेज भी मिलेंगे। इमेजिन करो, आप कॉफी का सिप लेते हुए अपनी फेवरेट बुक को पढ़ रहे हो और बाहर बारिश हो रही है। इस स्ट्रीट को और सुंदर बनाते हैं इसके आसपास लगे बड़े बड़े पेड़। अब मैं आपको ले चलता हूं नटराज नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। सबसे पहले मैंने ऑर्डर की लस्सी। गर्मी में लस्सी बेस्ट ऑप्शन लगी। लस्सी 45,000 डोंग की थी, इंडियन रुपीस में 156 रुपये। ईजी कैलकुलेशन बताता हूँ, एक इंडियन रुपी मतलब 288 वियतनामीज डोंग, तो आप 45,000 को डिवाइड कर लो 288 से तो 156 आ जाएगा। दाल मखनी 1,00,000 डोंग मतलब 350 रुपये हमारे। अनियन डोसा 1,40,000 डोंग मतलब 500 रुपये हमारे। सब कुछ ठीक है, बिल आया 2,03,000 डोंग मतलब 700 रुपये हमारे।
हो ची मिन्ह सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन की पॉपुलेशन है। आपको यहाँ गाड़ियाँ कम और मोटरसाइकिलें ज़्यादा मिलेंगी। 8 मिलियन लोग पूरी दुनिया से हर साल हो ची मिन्ह सिटी में विजिट करते हैं। हो ची मिन्ह सिटी का सबसे कॉमन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटर बाइक्स ही है। करेंसी एक्सचेंज का बेस्ट रेट लेने के लिए आप ज्वेलरी शॉप में जाएं। यहाँ पर आपको बिल भी मिलेगा और अच्छा रेट भी मिलेगा। मुझे एक यूएस डॉलर का रेट 23,550 वियतनामीज डोंग मिला। मैंने 200 यूएस डॉलर चेंज करवाए और मुझे मिले 47,10,000 वियतनामीज डोंग। तो 18,000 में मैं 2 किलोमीटर आया हूँ, ग्रैब बाइक से आया हूँ, 18,000 वियतनामीज डोंग में, ठीक है जी। इंडियन रुपीज़ में हो गए ये 62 रुपये, 62 रुपीज़। तो आप मोटा मोटी ये समझ लो 1 किलोमीटर का आपको 30 रुपये देना पड़ेगा अगर आप ग्रैब बाइक से चलते हो, जो बहुत सस्ता है। आप यहाँ पर आओ तो ग्रैब बाइक यूज़ कर सकते हो अकेले हो, नहीं तो ग्रैब टैक्सी भी यूज़ कर सकते हो। वॉर म्यूज़ियम की टिकट 40,000 डोंग, मतलब 140 रुपये हमारे। वॉर म्यूज़ियम आना तो बनता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको वियतनाम की हिस्ट्री और उनके साथ जो हुआ उसके बारे में पता चलेगा और काफ़ी समय तक आपके जहन में ये बातें भी रहेंगी। इंडिपेंडेंस पैलेस की टिकट 40,000 डोंग, मतलब 140 रुपये हमारे। इस पैलेस को विजिट करना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यह व्यू देखो इंडिपेंडेंस पैलेस से कितना बढ़िया लग रहा है। अभी बारिश हो रही है जी, धीरे धीरे यहाँ खड़ा होता हूँ, बारिश रुक जाए फिर चलता हूँ। रोड क्रॉस करना एक चैलेंज है, पेशेंस के साथ और कोशिश करें कि किसी लोकल के साथ रोड क्रॉस करें। अगर ट्रैफिक लेफ्ट से आ रहा है तो आप लोकल बंदे के राइट में हो जाएं। और अगर ट्रैफिक राइट से आ रहा है तो आप उसके लेफ्ट में। ये सेफ्टी टिप है आपके लिए। अब आया हूँ बनाना लीफ रेस्टोरेंट में। मेन्यू में सब कुछ है। मैंने ऑर्डर की वेज बिरयानी 90,000 डोंग की, मतलब 312 रुपये हमारे। एक या दो बार दिन में आपको इंडियन रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। आपके होटल के आसपास 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आप एक एक बार सब में ट्राई कर लो। प्रेजेंटेशन तो मुझे अच्छी लगी और टेस्टी भी थी। हमेशा होटल बुक वहीं करें जहाँ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो, सुबह सुबह उठकर कहीं भागना ना पड़े खाने के लिए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर सुबह 11 बजे खुलते हैं। होटल्स का चेक इन टाइम दोपहर को 2 बजे और चेकआउट टाइम दोपहर को 12 बजे है पूरे वियतनाम में। और अब मैं वॉक कर रहा हूँ सैगोन रिवर के साथ में, ये जो पार्क बना हुआ है, और ये पार्क के साथ साथ आपको दिखाई देंगे बहुत सारे होटल्स। ये सब रिवर साइड होटल्स हैं। हवा चल रही है यहाँ शानदार, वैसे तो गर्मी थी दिन में लेकिन अब यहाँ आके थोड़ी हवा में ठंडक आ गई, हवा चलने लग गई कम से कम, ये एक अच्छी बात हो गई। ट्रैफिक तो अपना पूरा जोरों शोरों पर है ही, यहाँ काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं, लोकल्स ज़्यादा हैं और टूरिस्ट भी हैं। जैसे लोग शाम को थोड़ा घूमने घामने आ जाते हैं वैसे आए हुए हैं। ये अच्छी जगह है शाम को घूमने के लिए। अभी लाइट्स वाइट्स तो जल नहीं रही, मुझे लगता है थोड़ी देर में लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। लोग दौड़ भी लगा रहे हैं शाम को खाना खाने से पहले। हो ची मिन्ह सिटी की मेन अट्रैक्शंस कूची टनल्स और मेकोंग रिवर डेल्टा के बिना अधूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कूची टनल्स और मेकोंग रिवर डेल्टा। सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऊंचे ऊंचे होटल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, साफ सुथरी है। सैगोन रिवर के सामने मैं बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी, ठंडी ठंडी, और सुबह से घूम घूम के अब थकावट भी हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पर बैठते बिल्कुल तरोताज़ा हो गए, बिल्कुल थकावट भाग गई। तो मैंने कहा आधा घंटा यहाँ बैठता हूँ और फिर यहाँ से चलता हूँ, ठीक है जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।